दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज की नीमच मंडी की सभी जिन्सों की आवक देख लेते हैं। दोस्तों कलुंजी के छपरे में खड़े हैं तो कलुंजी की आवक है लगभग 300 बोरी, तो हाल फिलहाल पक्की है, कुछ और बढ़ने की संभावना है, मगर हाल फिलहाल 300 बोरी की आवक है। पोस्ते की बात करें तो लगभग 500 बोरी पोस्ता आज है, और दोस्तों पोस्ता आज 1 लाख रुपये बिकेगा, ये 100% गारंटी है हमारी। और पोस्ते की आवक आज 500 बोरी की है हाल फिलहाल तक। और असालिया की आवक है लगभग 30-40 बोरी, अजवाइन की आवक है 200 बोरी, और जीरे की आवक है 20 बोरी के आसपास, तिल्ली की आवक है 50 बोरी के आसपास, धनिया की आवक है दोस्तों लगभग 700 बोरी की, मेथी की आवक है लगभग 1000 बोरी की, इसबगोल की आवक है लगभग 150 बोरी की। दलहन मंडी की बात करें, दलहन मंडी में उड़द की आवक है लगभग 100 बोरी के आसपास, चने की आवक है लगभग 300 बोरी के आसपास, डालर चने की आवक है 450 बोरी हाल फिलहाल, मसूर की आवक है 50-60 बोरी की, मूंग की आवक है 10 बोरी की। और बात करते हैं दोस्तों रायड़े की, 100 बोरी की आवक है, अलसी की 50 बोरी की आवक है हाल फिलहाल तक, और सोयाबीन की लगभग 3,500 बोरी की आवक है हाल फिलहाल तक, जो माल ट्रैक्टर और ट्राली सहित जो खड़ा है उन सहित मिलाकर, और जो छपरे में माल है 3,500 बोरी की। गेहूं की आवक है 5,000 बोरी की, मक्का की आवक है 81 बोरी की, जौ की आवक भी लगभग 70-80 बोरी है, कुछ बढ़ जाएगी आवक हाल फिलहाल तो इतनी है। मूंगफली की आवक 100 बोरी की है, और अजगन की आवक 300 बोरी की है, बहुत अच्छी आवक है। किनोवा की आवक है लगभग 10 कट्टों की। और तो दोस्तों ये तो है सभी जिन्सों की आवक। लहसुन की बात करें, लगभग 10,000 बोरी माल तो छपरों में खाली है, और लगभग 75-80 वाहन खड़े हुए हैं प्रतीक्षारत, जो 5-6,000 बोरी हो सकती है, तो 15,000 तो पक्की आवक है हाल फिलहाल नीमच मंडी में। कांदे की आवक 200 कट्टे तो हाल फिलहाल थे। तो ये थे दोस्तों आज की नीमच मंडी की सभी जिन्सों की आवक। वीडियो पसंद आया लाइक करें, और आप हमारा व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप का नंबर है हमारा, जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप का लिंक है। तो दोस्तों 4 दिन मंडी बंद है, वो वीडियो भी आप अवश्य देखें ताकि आपको असुविधा ना हो। 4 दिन इसी हफ्ते में 4 दिन का अवकाश आने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं दीपक इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।